नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। करनाल में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए यहां पर खुला दरबार लगा चुके हैं और यहां पर सभी को बारी बारी यहां पर सभी की समस्याएं सुनी जा रही है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के प्रांगण में आज खुला दरबार लगाया गया है। वहीं बारी बार एक एक को बुलाया जा रहा है और जो भी किसान हो या आम ग्रामीण शहर का कोई भी वासी किसी प्रकार की उसकी जो समस्या है उसको एक एक करके आप देख रहे हैं बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि ताकि उनकी जो भी कोई समस्या है उस पर तुरंत से विचार किया जा सके। फिलहाल सभी यहां पर जिला अध्यक्ष व एसपी डीसी व मेयर रेणुबाल गुप्ता सभी को यहां पर बुलाया गया है और आप देख रहे हैं कि डीसी भी मौके पर बैठे हैं। डीसी निशांत कुमार यादव, वहीं एसपी गंगाराम पुनिया, वहीं एडीसी योगेश कुमार सभी यहां पर बुलाए गए हैं और खुले दरबार में जो कि मुख्यमंत्री का खुला दरबार है यहाँ पर सभी को आम जनता को बुलाया गया और आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं संजय बटाला जो कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो भी मुख्यमंत्री के पास खड़े हैं और मुख्यमंत्री के जो कंप्लेंट आ रही है उनको दिखा करके उसका बातचीत कर रहे हैं और सभी जो आम जनता शिकायतें लेकर आई है उनको सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री तक मीडिया को दूर रखा गया ताकि कोई भी बीच में सिक्योरिटी रखी गई है, मीडिया को काफ़ी दूर खड़ा किया गया है, इसलिए काफ़ी मुख्यमंत्री के खुले दरबार में सभी यहां पर लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में आज शिकायतें लेकर के लोग पहुंचे हैं। आपकी क्या शिकायत है, किस लिए पहुंचे हैं? हमारी शिकायत तो कई है जी। गाँव की क्या गाँव, कौन से गाँव से? गाँव जिनेबाद, सरपंच जिनेबाद है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, पास सीएम साहब की जो थी प्लानिंग मोटिंग थी तो गांव के लोग आए हैं, समस्याएं लेकर आए हैं और एक एक करके समस्या यहां पर सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री के खुले दरबार में यहां अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। किन्हीं लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुजुर्ग से बात करते हैं। सर, आप क्या समस्या लेकर आए, क्या प्रॉब्लम? सर, मैं असंध से आया हूँ। मैं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ। इन्होंने बीजेपी वाले जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सबको नज़रअंदाज कर रखा है। हम 50 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। बख्शीश सिंह को जिताने के अंदर भी हमने पूरा साथ दिया है और स्टेज पे भी हमारे प्रोग्राम टीवी पे भी आता जाता है। तो इनको चाहिए कि हमारे भी कुछ, हमारा काम आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं और हमारे पास अब पैसा नहीं है तो हमें कोई, अब काम ऐसा है कि कोई कहीं भी गए हैं तो धक्के खा के आ गए। जनाब, आपका काम क्या है? जो काम हमें तो एक लोन मिलना चाहिए सरकार से, बीपीएल का कार्ड बनना चाहिए और हम आगे लोन लेके हम वापस करेंगे सरकार को, हम उससे अपना काम करेंगे। किस चीज का लोगे आप? 60 साल से ऊपर, 70 साल के हो रहे हो। हाँ जी हाँ, तो फिर किस बात का लोगे आप? तो लोन क्या 60 साल से ऊपर, इनको फिर खत्म कर दो, गोली मार दो। काम करोगे आप? नहीं, कोई भी काम कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, दुकानदारी कर लेंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो आपने कहीं अप्लाई किया? हाँ, अप्लाई कई बार हमने मतलब बात करी है, इधर अपना बैंक में भी जाके। अच्छा। तो वो भी कई, हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं भी, नहीं हुई जी बिल्कुल सर। अच्छा, हम झूठ बोलने वाले बंदे नहीं है ना, हमारे में झूठ। दिक्कत आ रही है अपना? हाँ दिक्कत बहुत आ रही है रोटी चलाने में, क्या हमारे पास पता नहीं दिन का रात का नहीं है। मैं ये एक मुझे मैं रो के कह रहा हूँ इस बात। मुख्यमंत्री से मिलोगे? हाँ जी, मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, पीछे भी आए थे हम। अच्छा। धक्के खा के चले गए थे, मिलने नहीं दिया। हाँ जी, वहाँ उधर लाइन लगी हुई थी, बड़े धक्के खा के एक सेकंड भी सामने आए, एप्लीकेशन ले ली, एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्या नाम? हाँ, मदन लाल है मेरा नाम, असंध से है। ये मदन लाल जो कि काफी दिनों से परेशान है और अपने लिए लोन की मांग कर रहे हैं परंतु उनका कोई काम नहीं हो रहा है और काम दुकानदारी करना चाहते हैं परंतु लोन नहीं मिल रहा है। और भी कई प्रॉब्लम है जो आम जनता यहां पर पहुंची है उनकी प्रॉब्लम है। भारी संख्या में लोग शिकायत लेकर आए हैं, ऐसा लगता है कि पूरे लोग ही दुखी हैं। कारण क्या सर, क्या आप कहां चाहें, क्या कारण है? सड़क बनवाने, कच्ची सड़क, सड़क के लिए। सड़क कहां पर बनवानी है? जीट रोड तरावड़ी से जो खेड़ी मानसिंह जाती है उसकी सड़क है, वो बीच में कच्ची। हाँ जी,
अभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सड़क बनवाने की मांग है। और भी काफ़ी जो लोग हैं आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनकी काम है, जो अपने काम लेकर यहाँ पर बैठे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री से मिल पाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मिले ही वापिस जाना पड़ता है और उनकी समस्याएँ ऐसी की ऐसी रह जाती हैं। आपने देखा कि पीछे लोन की ना मिलने से वो बीजेपी का कार्यकर्ता दुखी है, क्योंकि वह कहता है मैं 50 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, परंतु अभी तक उसका काम नहीं हुआ है। फिलहाल और भी यहां पर लोग हैं जिनसे जानते हैं, महिलाएं हैं। बहन जी आप यहां पर किस लिए आए हो? हाँ जी बहन जी किस लिए आए हो आप? सर आर्ट एंड क्राफ्ट के, सर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आए हैं, जो हमारे मेरिट लिस्ट में नंबर आया है और ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। हाँ जी जिनका नंबर नहीं लगा है ना, होनी थी सर ये 1 तारीख से, पहले पहले होनी थी 1 तारीख से, तो हो ही नहीं अभी। नहीं सर सीएम सर से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हाँ जी कितने लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं? 816 सर, 816। हाँ जी पूरे हरियाणा में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम हम सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से हैं और हमारा बिना खर्ची और बिना पर्ची के हमारा सिलेक्शन हुआ है। हम सरकार से सिर्फ यही गुहार करते हैं कि वो हमारा जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाए। ज्वाइनिंग के लिए आए हैं? हाँ जी। सिलेक्शन को कितने दिन हो गए? सिलेक्शन को अभी 16 हो गए। हाँ जी 16 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, फाइनल। हाँ जी और स्टेशन भी भरवा लिए गए हैं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही अभी? ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर। ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, कारण क्या? सीएम ने ज्वाइनिंग करानी है? नहीं सीएम ने नहीं करानी है सर, हमारा ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मैटर चला गया था आईटीआई और केयूके का, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकार पे छोड़ दिया है कि चाहेगी तो रखेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं। हाँ जी गुहार लगाने। हाँ जी क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मैं गीता करनाल से। ये है गीता करनाल से, जो कि अपनी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर अपने पूरे और भी जो साथी हैं, लगभग हरियाणा में 816 ऐसे लोग हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, परंतु उनको नौकरी पर ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है और इसी को लेकर के सीएम से मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी जनता में लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनके काम हैं, परंतु उन कामों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल देखना यह है कि सभी को सीएम सुन सकते हैं या नहीं। यहाँ पर पहुँचे आप देख रहे हैं कि खुला दरबार लगा हुआ है और मुख्यमंत्री एक एक करके सभी को बुला रहे हैं और आम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, जिसमें मौके पर यहां पर डीसी निशांत कुमार साथ साथ कंप्लेंट लेकर के उनका निराकरण कर रहे हैं और भी अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं ताकि लोगों की समस्याएं सुन सकें और उनको साथ साथ अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं, इसलिए सभी की समस्याएं सुनी जा रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे, भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि जिनकी समस्याएँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेने गया है एक मिनट। बाबा जी आप यहाँ किस लिए पहुँचे हो? मैं सर आया हूँ यहाँ, मेरे गांव के कुछ रोड ख़राब हैं, काफ़ी टाइम से बर्बाद कर रखे हैं और उनको कर नहीं रहे, मैं इसलिए उसके लिए आया हूँ। हाँ जी सड़कों की। किससे मिलोगे? सीएम साहब को। सीएम को मिलेंगे जी, पहले कहीं जा चुके हैं? हाँ जी। चलो आप सुनाओ नंबर बोलो। ये थे गांव से आए हैं जो कि सड़कों की समस्या है और काफ़ी लोगों की और भी समस्याएं हैं जो यहां पर पहुंचे हैं सीएम से गुहार लगाने ताकि उनका जो काम बन सके। और भी आप जानते हैं देखते हैं जो कि यहां पर पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। एक बाबा जी यहां पर पहुंचे हैं। नंबर है? 34 नंबर। बिना नंबर का कोई भी नहीं जाएगा, बिना नंबर नहीं कोई जाएगा। नाम चेक करो। बिना नंबर से किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, पुलिस चौकस है, सुरक्षा की दृष्टि से एक एक करके सभी को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनको सामाजिक कार्यों के लिए भी आए हैं और भी कई दूसरे कार्य हैं जिनको पुलिस के पास यहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस उनको एक एक करके आगे भेज रही है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न अव्यवस्था न फैले। किस लिए पहुंचे यहां पर? ओ भाई मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं जो शमशान घाट में जो वो अपना नगर कमिश्नर ने लेटर लिखा है शमशान घाट हमारा खाली जरा करो, आपने इलीगल ये कब्जा कर रखा है इसमें, उसके बारे में बताने आए हैं। काफी पुराना मामला। नहीं मामला पुराना है, आप उठा रहे हो। नहीं अब तो फैसला तो अब हुआ है। मैं तो मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहा था कि जब वो दूसरी पार्टी आए तो मुझे अवश्य बुला ले, दोनों का फैसला आमने सामने करना। तो मामला तो छोटा सा है आपका। मामला छोटा मामला है,
मैं मामला छोटा मामला समझते हो, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मामला है। जो शमशान घाट को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने का ये लेटर लिखा है, नोटिस दिया इनको, सीबीआई की जांच की मांग करो। सीबीआई जांच पहले भेजी हुई है, संजय भाटिया साहब ने ये भेजा हुआ है, देखो संजय भाटिया साहब ने ये भेजा, पढ़ो ये लेटर, ये भेजा हुआ है संजय भाटिया साहब ने भेजा हुआ है। तो आपने नंबर लगवा रखा क्या? मेरा नंबर तो बूढ़ों का नंबर होते नहीं, घर में नंबर नहीं है, बाहर भी मिलने के लिए भी तो नंबर नहीं भाई सही। देखो प्रधानमंत्री जी का भी लेटर है मेरे पास, तो प्रधानमंत्री जी उन्होंने मेरी दया करी है, नंबर से तो मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं तो भाई बीजेपी का कार्यकर्ता, इन्होंने अपना ये बता, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी दिखाई दे रहे हैं। ना दुखी हम नहीं है, हम तो भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार को यहाँ हमारे पार्टी में होगा या बाहर होगा, भ्रष्टाचार काम क्यों नहीं हो रहा? काम करते हो दो साल से भाव जी, काम ना होता तो कमिश्नर साहब ये नोटिस ना देते। भाई मैं बात सुनो पहले, भाव जी मैं ऐसे है बाड़ो, मैं तो पहली दफा आया हूँ, मैं कभी भी नहीं आया दरबार में, मैं खुद क्लास वन अफसर, मैं काम जानता हूँ, मैं दरबार में नहीं आया कभी भी ना। डीएसपी को मिलेंगे, डीएसपी मिले क्यों नहीं, हमारा राइट है, हमारा राइट है डीएसपी को मिले, एसपी को मिले, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को मिले, हमारा राइट है जी। बीजेपी वालों को काम क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी हेलो कमाल है, काम तो नियम के अनुसार होगा, वैसे नियम अनुसार कौन काम करेगा? आप करोगे नियम पास, नियम जब आप गाड़ी आई है स्टेशन पे उतरेंगे, अब सवारी उतरेगी, पहले बाद में पहले उतर जाएंगे। चलो अब तो वैसे भी टाइम उतरने का होगा। हाँ जी, आप कैसे आए हो? हमारा काम है जी, संत इलाके तो आए हैं जी। क्या काम है? काम है मतलब जी लाइसेंस दा है, मतलब विरासत दा लाइसेंस है, वो बनवाना है। अच्छा, तो वो मतलब बच्चे दे नाल अगे करने आ गए, उम्र दे हिसाब दे नाल लगा जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूर्ण सिंह। कौन से काम से है? असंद। असंद से हैं आप? लगभग 50 किलोमीटर से दूर से यहाँ पर शिकायत करता आ रहे हैं, और जो उनकी गांव की मांगे हैं, सड़कों की मांगे हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर दुखी दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। कारण ये नहीं पता कि सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर रही या और कोई कारण है। बहन जी आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? सीएम से मिलने आए, सीएम से मिलने। कहाँ से आए हो, क्या मामला? जुमला से, जुमला से। क्या प्रॉब्लम है? जमीन का मामला है। जमीन का मामला है? हाँ जी, हड़पली है। हड़पली है। 25 जून को मैंने सीएम साहब से मिला था, मैं तकसीम का दावा 18 साल से चल रहा था, वो अभी तक मैटर हल नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने कर्जा उतारने के लिए जमीन को सेल किया था, लेकिन वो हड़प रहा है, दूसरा हड़प रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। अच्छा, पुलिस वाला है? हाँ जी, हाँ जी। साथ नहीं दे रहा आपका? साथ नहीं दे रहा। पैसे जमीन आपकी? 3 कनाल है जी, 1 करोड़ से ऊपर की है। बस एक 1.5 महीने से आना जाना बंद कर दिया हड़पली, और हड़प, लेकिन मैंने कब्जा दिया नहीं, क्योंकि जबकि स्टे 2 स्टे थे, इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, फिर भी धक्के से। हाँ, 1 मिनट। क्या नाम है, कहाँ से आए? सर मैं सतबीर शर्मा हूँ, पुंडरी से आया हूँ। और क्या काम है? हमारा ये काम है सर, हाई कोर्ट में केस चल रहा है 1 साल से। अच्छा। और पीटीआई टीचर का जो परीक्षा हुई थी 2020 में, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चनों के जो है एचएससी ने रॉन्ग आंसर माने हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है सीएम साहब से मिलने के, उसमें मतलब अपना निजी तौर पर एस्पेक्ट करें, और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए। तो ये मांग रखने सीएम के पास आए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन एचएससी ने बिल्कुल रॉन्ग करके हैं, और 8-7 यूनिवर्सिटियों ने आरटीआई का जवाब हमारे फेवर में दिया है, और संबंधित विभाग से प्रूफ आए हैं सर। तो सीएम से मिलेंगे जी? सीएम से मिलेंगे सर, अभी मिलेंगे। क्या नाम आपका? सतबीर शर्मा जी। तो ये थे सतबीर शर्मा, जो कि अपने नौकरी के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रॉब्लम के लिए सीएम से मिले हैं। अरे नन्ना बनगा, बाबा बनगा, सातवीं पीढ़ी चल रही मेरी। बाबा जी क्या बात होगी, क्या प्रॉब्लम? ऐसे है जी, बुढ़ापा आ गया मुझे, और सातवीं पीढ़ी, छठी पीढ़ी है मेरी, और ये देखो, ये देखो, ये मेरे बाबा जी थे। नहीं नहीं, बुढ़ापा क्यों आया, क्या क्या मांग है? अब बुढ़ापा ये है जी, मंदिर देवी जी है, घोटाला कर रखा। अच्छा। और उस घोटाले के बारे में हमने 2 साल हो गए मंदिर में घोटाला कर लिया, मंदिर की जगह हड़पली। किसने? 55 दुकानें बना दी, 55 दुकानें में। हाँ, मंदिर में दुकानदारों ने। किस जगह, कौन सी जगह? देख कमेटी चौक, देवी मंदिर, हाँ मनसा देवी मंदिर। अच्छा। उसमें भारतीय डेयरी है ना, जहाँ वहाँ से चारों तरफ 55 दुकानें हैं। आप दुकानें तोड़वाना चाहते हो? नहीं, हम क्यों, गौर मिलेगी। अच्छा, गवर्नमेंट मेरी तो, हाँ अंडर ले, उनको फायदा होगा। मिलो सीएम से मिलो। तो आम जनता, काफ़ी सामाजिक लोग हैं जो कि समाज के कार्यों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरेलू मसले हैं,
परंतु किसी का मसला हल होगा या नहीं होगा, अभी तो सीएम से मिलने की उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, सीएम को मिलने के लिए नंबर लेना पड़ रहा है, भारी संख्या में शिकायतकर्ता आए हैं और लगभग एक साल के बाद मुख्यमंत्री का यह खुला दरबार लग रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतकर्ता पहुँचे हैं। फिलहाल कौन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसकी अभी इंतज़ार करना है, भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है। सर क्या आप भी यहाँ पर आए क्या? हम तो जी करनाल में कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। अच्छा, वो उसके लिए जगह के लिए आए हैं, अभी अगर सीएम साहब दे दे लोगों को करनाल से दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़े। हॉस्पिटल आप क्या नाम आपका? मेरा राजेंद्र सरदाना है जी। राजेंद्र सरदाना। किस बेस पे आप कैंसर के एक्सपर्ट हो आप? हमारे बच्चे डॉक्टर है, कैंसर के डॉक्टर है आपके बेटे, उनके लिए जगह की मांग है हॉस्पिटल खोलने की। हाँ जी, आए कहाँ पर खोलना चाहते हैं, करनाल में या बाहर कहीं? नहीं नहीं करनाल में, करनाल में सेक्टर 32 में सोशल साइट्स हैं। कहीं आसपास गांव में नहीं मिल सकती? इतना पैसा इलाके में, इतना पैसा नहीं है ना, एक एक करोड़ का ज्यादा पैसा लगता है गांव में, एक एक करोड़ का किला है, ये तो गवर्नमेंट दे रही है 35 लाख का प्लॉट है, सोशल साइट्स है ना। अच्छा, प्लॉट लेना चाहते हैं? हाँ, प्लॉट उसके लिए। राजेंद्र सरदाना। राजेंद्र सरदाना जो कि कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उनके बच्चे जो हैं डॉक्टर बन चुके हैं, कैंसर एक्सपर्ट बन चुके हैं, जिसलिए वो यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने के लिए सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि उनको सीएम से मिल जाए और ताकि मिल करके वो अपनी बात रख सकें। वहीं आम जनता को अब कैंसर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता है, और यहाँ पर अगर जगह मिल जाएगी, हॉस्पिटल बन जाएगा तो आम जनता को फ़ायदा होगा, परंतु अब सीएम से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते इसकी अभी कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भारी जनता यहाँ पर पहुँची है, सभी के नंबर लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंप्लेंट है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है और लोगों को एक एक करके बुला करके अंदर शिकायतें सुन करके उनका निराकरण हो, ताकि उसी के लिए यहाँ पर भारी जनसंख्या यहाँ पर पहुँची है और एक एक करके जो है अब अपनी शिकायतें लगा रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि सीएम से मिलकर के किसकी शिकायत का निवारण हुआ, किसकी शिकायत का निपटारा होगा, ये देखने की बात होगी। फिलहाल भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि लोग आए हैं और आप अपनी शिकायतें सुना रहे हैं। मैं हूं करनाल से, केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।